सेकंड पिक मेरी टाटा स्टील पे रहेगी, देखेंगे तो अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहा है, लग रहा है मूवमेंट अच्छी खासी और देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 164 का रखेंगे और ऊपर में टारगेट 195 का रहेगा। 55 का टारगेट रहेगा, तेजी वाला ट्रेड है ये, टाटा स्टील पे एक पोजीशन लेकर चले। रूपक आप क्या पिक करेंगे आप? मैं एक्चुअली टाटा स्टील देख रहा था बट तो ऑलरेडी दे दिया रियाल ने, तो मेरा पिक रहेगा एसजीबीएन। इस स्टॉक में भी मोमेंटम है और प्रीवियस जो छोटा स्विंग हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में 156 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 137 पे। 156 के लिए तेजी करें, 137 का स्टॉप लॉस। SJVN, एक और PSU की इसका जिक्र हो गया है इस मंच पर। समित आप क्या जोड़ रहे हैं आप? हर्षिता, यहाँ पे एपीएल अपोलो में अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 महीनों का जो कंसोलिडेशन है वहां से लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था, और ये एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक ऑफ द वीक करके ये रिकमेंड भी किया हुआ है। तो एपीएल अपोलो में हम थोड़ा एक पोजिशनल टारगेट, एक बड़ा टारगेट के साथ ही हम जो रहना चाहेंगे, जो 18-22 का टारगेट है, और इसमें यू नो विद द ट्रेडिंग व्यू अगर कोई स्टॉप लॉस रखता है तो आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जो लगभग 1660 का होगा। सो 1660 के स्टॉप लॉस से एपीएल अपोलो बाय करने की सलाह होगी 1822 का यहाँ पे टारगेट। 1822 का टारगेट, तेजी वाला ट्रेड, 1660 स्टॉप लॉस, एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो के वैसे आई थिंक नंबर्स भी डिसेंट ही थे, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये बाय साइड का ट्रेड। समित लगे हाँ तीसरा ट्रेड भी देंगे। हुड़को के साथ जाना चाहेंगे, रैंक आउट परफॉर्मर रहा है अगर लास्ट 4 महीनों की हम प्राइस एक्शन देखे तो, सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज, और अभी भी देखे तो एज वी स्पीक ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो अनचार्टेड टेरिटरी में ये मूव और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये मोमेंटम हमें लगता है इमिडिएटली तो एटलीस्ट 269 तक ये स्टॉक को स्ट्रेच कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 246 का होना चाहिए और 269 का यहाँ पे टारगेट। 69 टारगेट और 246 का स्टॉप लॉस, ये है हुडको बाय साइड का ट्रेड समित ने जो दिया है। वीरल आप क्या जोड़ना चाहेंगे? थर्ड पिक मेरी अडानी पोर्ट पर रहेगी, काफी दिनों का कंसोलिडेशन आज ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी तरह से देखने मिल सकती है और न्यू हाइज भी बना सकता है, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1280 का रखेंगे और ऊपर में 1520 का टारगेट रहेगा। के लिए एक मौका तेजी का अदानी पोर्ट में आता हुआ बाय साइड का ये ट्रेड है। रूपक आपकी बारी। मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा एनएचपीसी में। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया छोटा टाइम फ्रेम में, और डेली चार्ट में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का के रेडी है, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाएगा और स्टॉक को 117 तक लेके जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 93 पे, तो 93 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। और एनएचपीसी भी एक तेजी वाला ट्रेड, तो एसजेवीएन के साथ अब एनएचपीसी भी तेजी की तरफ ही आप पकड़ रहे हैं। 117 टारगेट और 93 के आसपास का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स हैं। अब कौन सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है इन सभी ट्रेड्स में, उसका जायजा लेंगे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डिक्सन टेक के नंबर्स पर कंपनी के मैनेजमेंट से भी होगी बातचीत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।